प्रयागराज में हुए उमेशपाल हत्याकांड में अतीक अहमद के परिवार ने कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता पर बड़ा आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि मंत्री नंदी ने अतीक अहमद से 5 करोड़ रुपए उधार लिए थे और वापस नहीं कर रहे थे। इस बीच अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन बसपा में शामिल होकर मेयर के लिए चुनाव प्रचार करने लगी, जिससे नंदी और अभिलाषा इस बात से खुन्नस रखने लगे। इस वजह से ये पूरी साजिश करके अतीक अहमद और उनके परिवार को साजिश के तहत फंसा दिया गया है। मैं अपने मायके में थी, वहाँ पे आती है प्रशासन और एसटीएफ वाली टीम, हम लोग को उठा के बहुत टॉर्चर करके ले जाती है, अगर नहीं चलोगी तो गन दिखा के और ये करके बहुत परेशान किया। मेरे 4 बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं अपने मायके में रहती हूँ और यही कह रही थी कि अगर नहीं चलोगी तो तुम्हारे उनके हमारे जेठ और हमारे पति को जान का बहुत खतरा है। जी हमें मायके से उठा ले, मैं वहीं पर रह रही थी काफ़ी टाइम से, मायके से उठाया गया और वहाँ मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे उन वो देख रहे थे, बहुत परेशान किया। उनके सामने वो रंजीत कुमार शर्मा यूपी पुलिस और एसटीएफ अमिताभ यशकर के थे, उन्होंने बहुत जी दोनों टीम थी, बहुत अधिकारियों ने बहुत परेशान किया। वहाँ ले गए तो बहुत टॉर्चर किया कि अगर नहीं बताओगे शाइस्ता जी को तो हम तुम्हारे पति और जेठ को जान से। जी आपसे जानना क्या चाह रहे थे वो लोग, ये बताइए मेन क्या जानना ये चाह रहे थे कि शाइस्ता कहाँ है, उनका बेटा कहाँ है। जब सर हम लोग से कोई कॉन्टेक्ट हो ही नहीं पा रहा, हम लोग क्या बताएं, हम तो अपने मायके में थे, ये लोग भी हमारे साथ ही गए थे, हम तीनों एक साथ ही गए थे। हम देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।